हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो है हम अपने इमेज की जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यकीनी तौर पर मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखे हैं कि भाई फोटोशॉप में जो है वो इस तरह से इमेज की बैकग्राउंड चेंज करो इस तरह, लेकिन जो मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूँ यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करना है। इसके बाद जिस तस्वीर की आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसको खोलें। तो मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो टूल है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आपने सिंपली इसको इसी तरह से कर देना है। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस सिर्फ आपको सिखाने के लिए सिंपल करूँगा कि कुछ जल्दी से आप सीख जाए, ठीक है। ये रहा, बहुत ही कमाल की टूल है ये, मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो यही जो है यही टूल इस्तेमाल करता हूँ। तो सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने सिंपली शॉर्टकट की को इस्तेमाल करना है। तो W यानी Z और Alt को जो है वो यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये जूम आउट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे W पे क्लिक करें और इसके बाद क्लिक करें शिफ्ट के बटन पर, सॉरी अल्ट के बटन पर। तो ये देखें, ये ठीक हो गया, अब ये भी सही है। तो अब क्या करना है, अब आपने जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपने ओपन करना है न्यू, और सॉरी फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करना है और इसके बाद आना है ये जो भी आप इमेज की जो है वो तस्वीर बदलना चाहते हैं, जो भी बैकग्राउंड आप लगवाना चाहते हैं तो वही सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। ये यहाँ पे अब ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो टूल है या मूव टूल को आपने क्लिक करना है और सीधा आके अपने जो इमेज सेलेक्ट किया है उसको पकड़ कर यानी क्लिक करके यहाँ पे लाना है, ये जो दूसरा इमेज है इस पर, और यहाँ पे ला के छोड़ देना है, ये देखें, ठीक है। अब आपने जो है Z को प्रेस करना है और फिर Alt को प्रेस करके ही रखना है। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसके बाद आपने फिर से मूव टूल पे आना है और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमाइज करें, ये बन गई बात। अब आपने प्रेस करना है Z को, तो मैं जूम कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है बिल्कुल। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा एरर है आप इसको भी जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बता दिया कि भाई आप किस तरह से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।